झुंझुनू के करबला मैदान में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। उस महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत, कामरेड अमराराम, युद्धवीर सिंह ने संबोधित किया। महापंचायत में कांग्रेस नेता पिलानी से विधायक जेपी चंदेलिया, चिड़ावा प्रधान इंदिरा टूडी भी शामिल थे। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन इस लड़ाई का फायदा पूरे देश को होगा। उन्होंने कहा कि MSP लागू होने का फायदा और फसल बीमा योजना को व्यवहारिक बनाना उनका टारगेट है, इसलिए वे खुद और किसान आंदोलन से जुड़े नेता आने वाले दिनों में उन राज्यों का भी दौरा करेंगे जहाँ पर चुनाव है, वहाँ के किसानों को एकजुट करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार यह वहम छोड़ दे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, जहां जहां फसल कटाई का काम होगा उसके अलग इलाकों से किसान पहुंचकर आंदोलन को जारी रखेंगे। लगी भी और इसका जो फायदा होगा पूरे देश को होगा, खास करके MSP जब लागू हो जाएगी तो पूरे देश के किसानों को इसका फायदा होगा। जो आसाम में किसान बैठा है उसको भी इसका लाभ मिलेगा, वहां से भी फोन आते हैं, वहां पे भी लोग जाएंगे हमारे। चुनाव में प्लान क्या करना, चुनाव वहाँ पे जाएंगे हम, वहाँ पे भी नुकसान है किसानों को, फसलों के रेट नहीं मिल रहे, फसल बीमा योजना है उसका क्या हाल है देश में, तो ये जो सारे सवाल है सब सवालों के लिए लेकर जा रहे हैं। डीजल के क्या रेट हो गए, आम जनता इस आंदोलन से जुड़ गई, व्यापारी जो छोटा दुकानदार है, एक शहर में एक मॉल खुलेगा पूरा जो दुकानदार है पूरे खत्म, जो गांव का दुकानदार है जो 100 लोगों को उधार सामान देता है, ये आंदोलन तो उसका भी है ना, जो अपनी रोजी रोटी वहां से कमा रहा और उसको ये आस रहती है कि मुझे जब वो तनख्वाह मिलेगी या उसकी फसल आएगी तो मेरा भुगतान हो जाएगा, तो वो भी खत्म होंगे। इससे जो साप्ताहिक बाजार है